आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो सिटीज की। एक है भुवनेश्वर जो ओडिशा का कैपिटल है और दूसरा है गुवाहाटी जो असम का सबसे बड़ा शहर है। कंपैरिजन में है जीडीपी, लिटरेसी रेट, एयरपोर्ट रैंकिंग, सिटी साइज, पॉपुलेशन और सिटी व्यूज। चलिए जानते हैं इन दोनों सिटी की साइज के बारे में। गुवाहाटी है 216 स्क्वायर किलोमीटर और भुवनेश्वर है 376 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन की बात करें तो गुवाहाटी है 1.1 मिलियन यानी 11 लाख जबकि भुवनेश्वर के पॉपुलेशन 1.2 मिलियन यानी 12 लाख। दोनों सिटी की पॉपुलेशन लगभग सेम है। गुवाहाटी का लिटरेसी रेट है 91.47% और भुवनेश्वर इसमें थोड़ा आगे है 93.15% यानी लगभग 2% से आगे है। अब बारी है एयरपोर्ट की। दोनों सिटीज़ में बेहतरीन एयरपोर्ट सर्विसेज हैं। गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई एयरपोर्ट और भुवनेश्वर एयरपोर्ट का नाम है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपके जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही सिटीज़ में दो नया एयरपोर्ट बन रहा है लेकिन जो बना नहीं हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। गुवाहाटी एयरपोर्ट इंडिया की बिजिएस्ट एयरपोर्ट रैंक में 11th पोजीशन में है और भुवनेश्वर 16th पोजीशन में। पैसेंजर मूवमेंट की बात करें तो गुवाहाटी 22 लाख सालाना और भुवनेश्वर 16 लाख सालाना। गुवाहाटी एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हैं 23,442 और भुवनेश्वर के एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हैं 14,265। गुवाहाटी इसमें भी आगे है। कार्गो टोनेज की बात करें तो गुवाहाटी है 15,951 और भुवनेश्वर है 7,398। गुवाहाटी का रनवे संख्या है 1 और भुवनेश्वर की रनवे संख्या है 2। अब बात करते हैं जीडीपी की। असम का जीडीपी है 57 बिलियन डॉलर यानी 4.09 लाख करोड़। ऑल ओवर इंडिया में ये 17 रैंक पे आता है। पिछले साल से इस साल जीडीपी की ग्रोथ परसेंटेज है 8.5%। ओडिशा का जीडीपी है 75 बिलियन डॉलर यानी 5.34 लाख करोड़। रैंक है 16। जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज है 6.2। चलिए जानते हैं भुवनेश्वर सिटी के बारे में कुछ खास बातें। भुवनेश्वर को बहुत सारे नाम दिया गया है उनमें से एकाम्र क्षेत्र, टेंपल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, आईटी हब, एजुकेशन हब। ये सिटी 1946 में एक जर्मन आर्किटेक्चर ओटो कोनिसबर्जन ने डिजाइन किया था। ये भारत का पहला मॉडर्न प्लान सिटी है। ये सिटी में आपको 1000 से भी ज़्यादा टेंपल देखने को मिलेंगे इसलिए इसको टेंपल सिटी भी कहा जाता है। विप्रो, इंफोसिस जैसे टॉप आईटी कंपनीज की ब्रांच भी यहाँ मौजूद हैं। 2018 में भुवनेश्वर में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था इस वजह से ये सिटी पूरे विश्व में पहचान बना। यहाँ हॉकी को ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है जो इंडिया का राष्ट्रीय खेल है इस वजह से भुवनेश्वर को स्पोर्ट्स सिटी भी कहा जाता है। इंडिया का महिला रग्बी टीम की बात करें तो ज़्यादातर टीम में ओडिया लड़की हैं। इन्होंने एशिया रग्बी 7 2019 में सिल्वर मेडल लाए थे। चलिए जानते हैं भुवनेश्वर के इतिहास के बारे में। भुवनेश्वर उड़ीसा का सबसे बड़ा नगर तथा पूर्व भारत का आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3री शताब्दी पूर्व में यहाँ प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक एक लड़ाकू योद्धा जो बौद्ध धर्म को अपनाए थे। भुवनेश्वर को पूर्व काशी भी कहा जाता है। यह एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा है। प्राचीन काल में हजार वर्षों तक बौद्ध धर्म यहाँ फलता फूलता रहा है। बौद्ध धर्म की तरह जैन के लिए भी यह जगह काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम शताब्दी में यहाँ चेदी वंश के एक प्रसिद्ध जैन राजा खारवेल हुए थे। इस तरह 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों के निर्माण हुआ था। इस प्रकार भुवनेश्वर वर्तमान एक बहु सांस्कृतिक नगर है। अब बारी है गुवाहाटी की। चलिए जानते हैं गुवाहाटी के बारे में कुछ खास बातें। असम राज्य के सबसे बड़ा सिटी है गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा पूर्वोत्तर भारत का मुख्य शहर है। ये सिटी प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। प्राचीन काल में ये सिटी को प्रयोग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता था।
गुवाहाटी की इतिहास कई हजार सालों की है। हालांकि शहर की शुरुआत अज्ञात है। ग्रंथ और पुराणों की माने तो यह शहर एशिया के प्राचीन शहरों का नेतृत्व करता है। देवी कामाख्या के प्राचीन मंदिर नीलाचल पहाड़ी में बसी है, जो कि तांत्रिक वज्रस्थान और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थान है। गुवाहाटी असम का महत्वपूर्ण पुराने व्यापार केंद्र तथा बंदरगाह है। इसे विश्व का सबसे बड़ा चाय का बाजार माना जाता है। इसके अलावा यहाँ और कोई बड़े उद्योग नहीं है। लगभग 17% आबादी यहाँ व्यापार और वाणिज्य में लगी है तथा उद्योगों पर राजस्थान से आई मारवाड़ियों का अधिकार है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।